हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली। इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मजेदार टॉपिक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मुगल एम्पायर जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा था, 18th सेंचुरी में डिक्लाइन होते जा रहा था। अब वो जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था उस पर एक जोरदार चोट किसने करी पता है, एक जोरदार चोट लगाने वाला था नादिर शाह। नादिर शाह कौन था, कहां से आया, कैसे आया, क्या आया, सारी चीजें, इंटरेस्टिंग डिटेल्स सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था कि एक कारण यह भी रहा मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का कि दिल्ली वॉज अटैक्ड बाय नादिर शाह इन 1739, ठीक है, क्यों, कैसे, क्या, सारी चीजें समझो। सबसे पहले नादिर शाह कौन था, तो नादिर शाह एक ईरानियन रूलर था, ठीक है, शाह ऑफ ईरान कहा जाता था, पर्शिया जो है, ठीक है, मतलब पर्शिया था वो, आज ईरान जो है, मॉडर्न डे ईरान, तो वो वहां से आया था नादिर शाह इंडिया में, ठीक है। अब नादिर शाह की जो एक्सपीडिशंस रही ना, नादिर शाह ने मतलब जिस तरह से बाहर बाहर दूर दूर जाके अटैक किया, उस कारण से इसे बहुत सारे टाइटल्स मिले थे, और उन्हीं टाइटल्स से आपको ध्यान रखना, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो क्या क्या टाइटल से, देखो इसे नेपोलियन ऑफ पर्शिया भी कहा जाता था, पर्शिया का नेपोलियन, जिस तरह से नेपोलियन ने पूरे यूरोप में धूम मचा के रखी थी, ठीक है। सेवंथ क्लास के बच्चे सोच रहे होंगे सर नेपोलियन कौन है, तो नेपोलियन आप नाइन्थ क्लास में पढ़ोगे भी, लेकिन ऐसा समझ लो कि नेपोलियन एक ऐसा मिलिट्री डिक्टेटर था फ्रांस का, जिसने फ्रांस के अलावा बहुत सारे दूसरे देशों को जीत लिया था, ठीक है। तो नेपोलियन ऑफ पर्शिया भी कहा जाता था, सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, जैसे एंशियंट में, एंशियंट टाइम, अगर एंशियंट हिस्ट्री के आप बात करोगे मौर्यन एम्पायर वगैरह में, अलेक्जेंडर जैसे आया था, तो इसे अलेक्जेंडर, सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, सॉर्ड ऑफ पर्शिया भी कहा जाता था। ये शब्द ध्यान रखना क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स में ऐसे आते हैं, तो इन सारे टाइटल्स के साथ संबोधित किया जाता था नादिर शाह को। अब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया 1739 में, 1739 में दिल्ली का एम्परर कौन था, मुगल, नो डाउट, 18th सेंचुरी चल रही है अभी, मुगल एम्पायर खत्म नहीं हुआ, लेटर मुगल्स आ गए हैं, लेटर मुगल्स के, जैसे 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद में से लेटर मुगल आ गए, तो लेटर मुगल के आने के बावजूद भी अभी है तो मुगल रूल ही, तो उस समय पे मुगल एम्परर कौन था, मोहम्मद शाह वन, ठीक है, मोहम्मद शाह वन, ये ध्यान रखना है आपको, मोहम्मद शाह वन वॉज दी रूलर एट दैट टाइम। मोहम्मद शाह वन के टाइम पे हमला हुआ, अब हमला हुआ क्यों, ये चीज समझो। नादिर शाह जो है, तो नादिर शाह का जैसे पूरा नाम आप पढ़ोगे तो अफशहर, नादिर शाह अफशहर है, अफशहर ट्राइब जो है, तो जो पर्शिया वाला वो रीजन था, ठीक है, तो वहां के अफशहर ट्राइब को बिलोंग करता था ये। अब क्या हो रहा था, वहां पे इंटरनली उनकी बहुत सारी लड़ाइयां चलती रहती थी, किसकी, तो जो पूरा सफावी डायनेस्टी वगैरह वहां पे जो था, तो वहां पे क्या होता रहता था, बहुत सारी लड़ाइयां चलती रहती थी, तो हतोकाई डायनेस्टी जो थी, हतोकाई डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। हतोकाई डायनेस्टी कहां पे सर, तो अफगानिस्तान वगैरह वाला जो रीजन है, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताते जा रहा हूं, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो, तो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहां तक अगर आप देखोगे तो मुगल एम्पायर था उस टाइम पीरियड में। अब ये जो मुगल एम्पायर था, तो ये मुगल एम्पायर में क्या हो रहा है कि इस तरफ से नादिर शाह आता है, तो यहां पे हतोकाई डायनेस्टी हुआ करती थी, एक उसे हराते हुए वो कांधार पे कब्जा करता है अफगानिस्तान का जो आज का समय, और फिर एंटर करता है कहां, मुगल एम्पायर में। तो जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर में एंटर करने के बाद नादिर शाह क्या करता है, इंडस रिवर तक लोगों से अलाइज मिलाता, लोगों को हराते हुए, मतलब किसी से दोस्ती करते, किसी को हराते हुए वो आगे आते जाता है। फिर उसे पता चलता है क्या कि ये जो एक इस्लाम, मतलब इस्लामिक रूल चल रहा है यहां पे जो मुगल एम्पायर का, ये वीक हो गया है। वीक कैसे हो गया है, क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा था कि औरंगजेब के टाइम तक मजबूती थी, लेकिन औरंगजेब के टाइम के बाद में, अब जैसे आप देख रहे हो कहां पे, यहां पे मोहम्मद शाह वन जो है, तो ये कमजोर रूलर है, ठीक है। तो ये जो रूलर्स हैं, तो इन्हें क्या है, इन्हें आसानी से हराया जा सकता है, और इसी के साथ साथ में पता था कि ये एम्पायर इस समय पे क्या है, वीक, और साथ ही साथ में रिच एम्पायर है। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे बन गया, कमजोर है और बहुत प्रॉस्परस है, लेकिन तो उसने सोचा कमजोर से छुड़ाना आसान है, तो नादिर शाह ने हमला करा इंडिया पे। नादिर शाह के हमले के बाद में यहां से बहुत सारी वेल्थ वो लूट के ले गया। अब वो जो बहुत सारी वेल्थ लूट के ले गया, उसी को डिस्क्राइब किया गया आपको, ये जो छोटे से बॉक्स में जो डिटेल दिया आपकी बुक में, उसे समझो। तो क्या होता है, द इन्वेजन वॉज डिस्क्राइब बाय कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स, तो उस समय पे जो ऑब्जर्व कर रहे थे उन लोगों ने इस इन्वेजन को कैसे डिस्क्राइब किया, ठीक है, और उसका मेन इंपैक्ट क्या रहा, क्या वेल्थ हमारे यहां से गई, तो 60 लाख रुपीज, ठीक है, 60 लाख रुपीज एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स, मोस्ट ऑफ देम अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड, मतलब इतना पैसा ले गया यहां से, इतनी वेल्थ ले गया जो वर्ल्ड में कहीं और नहीं थी, कहीं और से लूटी नहीं गई हो, ऐसा कहते हैं उस समय के कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स। एंड द अबव इंक्लूडेड पीकॉक थ्रोन,
पीकॉक थ्रोन, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, ऐसे ही रिलेट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रांजिशन बता रहा है, तो पूरी मिडिवल हिस्ट्री एक तरफ और मॉडर्न हिस्ट्री जो आएगी वो एक तरफ, और दोनों के बीच में लिंक करते हुए है ये चैप्टर। तो ये पीकॉक थ्रोन अगर आपको ध्यान हो तो किस मुगल एम्परर के टाइम पे बनवाया गया था, ठीक है, या फिर किस मुगल एम्परर के टाइम पे से कहां रखा गया था। तो पीकॉक थ्रोन मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन मैं भूल गया हूं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। अब देखो ये जो वेल्थ गई, इसके अलावा भी ऐसा कहा जाता है कोहिनूर जो हीरा है, ठीक है, वो भी गया, कोहिनूर, दरियाए नूर, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डायमंड्स थे, जो ज्वेल्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे सब कुछ लूट के कौन ले गया था, नादिर शाह ही ले गया था यहां से, ये ध्यान रहेगा। तो नादिर शाह को इसलिए नादिर शाह इनफेमस रहा है, ठीक है, कि इतनी लूटपाट मचाई है, ये आ रहा है घोड़े पे टुबुक टुबुक, ठीक है, फिर अंदर जाके सब कुछ लूटपाट करके ले जाएगा। अब और जैसे अकाउंट देखोगे और क्या ऑब्जर्व किया कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स ने, तो अनदर अकाउंट डिस्क्राइबिंग द इन्वेजन इंपैक्ट, इन्वेजन्स इंपैक्ट अपॉन दिल्ली। अब ये इंपैक्ट को बता रहा है कि जो इन्वेजन हुआ था उसका इंपैक्ट क्या रहा दिल्ली पे, समझना। Those who had been master were now dried straits का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है ना, वो क्या बोलते हैं कि कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे इस टाइप वाले होते हैं कि अब ये प्लेयर से कुछ नहीं खेलते बन रहा है, फुद्दू टाइप से जो होते हैं, तो यहाँ पे वही बताया गया। तो who had masters were now dried straits, ठीक है, नूब बन गया अभी, मतलब जो पहले एक समय पे बहुत खिलाड़ी हुआ करते थे, मतलब मुगल रूलर्स के लिए यूज किया गया वर्ड, those who were masters were now dried straits, अब उनसे कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। एंड those who have been revered couldn't even quench their thirst, और जिनके पास पहले बहुत कुछ हुआ करता था वो पीने के लिए पानी भी नहीं बचा उनका, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे क्या कहते हैं, the reclusives were pulled out of their corners, reclusives मतलब क्या है, जो एक ascetic कह सकते हैं, वैरागी जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, तो जो पूजा वूजा कर रहे हैं, जो अपना आराम से कोने में बैठ के पूजा ध्यान मंथन वगैरह ये सब कुछ करते रहते थे, तो उन लोगों को वहां से उठा दिया, ठीक है। अभी इन्विजन का इंपैक्ट बता रहे हैं कि जो लोगों जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था उन्हें भी छेड़ा गया नादिर शाह के इन्विजन के टाइम पे, उन्हें भी परेशान किया गया, ठीक है। द वेल्दी वर टर्न्ड इनटू बेगर्स, जो वेल्दी थे उनको भिखारी बना दिया, संपत्ति वाले जो थे, धनवान जो थे, वो भिखारी बन गए। दोज हू वंस सेट इन द स्टाइल इन क्लोथ्स वर नाउ वेंट नेकेड, जो पहले क्या है बढ़िया स्टाइल से कपड़े पहन के बैठे रहते थे, अब वो नंगे घूम रहे हैं, इस तरह से बताया है किसने, कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स ने। एंड दोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस, और जिनके पास पहले कभी बहुत संपत्ति हुआ करती थी वो अब बेघर हो गए हैं, बिना घर के घूम रहे हैं, ठीक है। द न्यू सिटी शाहजहानाबाद, चलो एक और होमवर्क, शाहजहानाबाद किसके द्वारा बनाई गई थी, ये भी पढ़ा था हमने चैप्टर 4 में। तो जो नई सिटी शाहजहानाबाद बनाई थी, ठीक है, वॉज टर्न, क्योंकि अब कैपिटल उधर ही शिफ्ट कर दी गई थी शाहजहानाबाद में, तो शाहजहानाबाद वॉज टर्न इंटू रुबेल, ठीक है। रुबेल मतलब क्या होता है कि खंडरों में परिवर्तित हो गई थी, वहां पे कुछ नहीं रिमेन्स ही बचे, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था नादिर शाह के इन्विजन के टाइम पे। देन अटैक्ड द ओल्ड क्वार्टर ऑफ सिटी एंड डिस्ट्रॉयड द होल वर्ल्ड एग्जिस्टेड देयर, और जो ओल्ड सिटी, जो शाहजहानाबाद का पूरा क्वार्टर था, वो पूरा का पूरा पूरी तरह से क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसके द्वारा, तो ये नादिर शाह के अटैक के द्वारा हुआ था। तो ये पूरी कहानी जो आपकी बुक में दी थी, मैंने आपको समझाई कि नादिर शाह अटैक दिल्ली, तो उस समय पे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है कि ये सारी चीजें, ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, आप वेबसाइट पर देख रहे हैं, सारा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में। जी हाँ, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, निश्चिंत रहो, घर बैठे बैठे अपना आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।